मुझसे शादी करोगे में कौन सा सदस्य होगा आज घर से बाहर, किस सदस्य की है बारी, कौन होगा एलिमिनेट? मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो आप जानते हैं कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन में जो है, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो नवदीश, अंकिता और हिना नॉमिनेटेड है, वहीं लड़कों में मयूर, इंदीप और मयंक नॉमिनेटेड है। ऐसे में कौन होगा घर से बेघर? लोगों को लग रहा है कि शायद मयंक घर से बेघर होंगे, क्योंकि आज जब गौतम गुलाटी आते हैं और वो जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, वो होस्ट बनकर आ रही है, तो आपको पता ही है कल ही रिवील हो गया था कि शो के होस्ट है गौतम गुलाटी और हर हफ्ते आया करेंगे। वो आने के बाद सना को बोलते हैं कि अगर कोई एफर्ट नहीं ले रहा है यानी कि गड़बड़ तुम में भी है, और वो सभी सदस्यों से पूछेंगे कि अगर ये ऐसा ही रहा एटीट्यूड तो आप में से कोई है जो सना को रिजेक्ट करना चाहेगा? मयंक बोलेंगे मैं करना चाहूंगा। तो क्या गौतम बोलेंगे कि चलिए ठीक है हम आपको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि गौतम आए हैं और बोल रहे हैं कि मैं आया हूं तो किसी को तो लेकर ही जाऊंगा, यानी कि कोई एक सदस्य तो घर से बाहर निकलेगा ही। तो ऐसे में किसको लेकर जाएंगे वो बाहर? तो इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि शायद मयंक जो है वो निकल जाएंगे, और अगर लड़कियों की बात करूं तो निकलेंगी हिना, या फिर फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि कोई एक ही निकले। लेकिन ये पहला हफ्ता है, अभी तक शो को कोई होस्ट नहीं मिला था, गौतम गुलाटी का पहला वीक है एज एन होस्ट, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि शायद इस हफ्ते किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया जाए, यानी इन सभी को जो है फिर से एक चांस दिया जाए और इन नॉमिनेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो अटकलों पर चल रही है। आपको क्या लगता है कि अगर घर से कोई एक सदस्य नॉमिनेट होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए, या आपको लगता है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है मयंक घर से एलिमिनेट हो सकते हैं उनको एक और चांस दिया जाना चाहिए, इस हफ्ते आप उनको घर के अंदर देखना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो इस हफ्ते घर से निकलेगा? जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से तो यही पता चल रहा है कि फर्स्ट वीक है, इसलिए किसी को भी एलिमिनेट शायद ना किया जाए। तो आप जो सोचते हैं, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।